स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्लास में चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो पिछले पेपर से आए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं और आपको मैं टेक्निक सिखाता हूँ। ठीक है? अब बेटा देखिए, यहाँ पे जैसे एमसीक्यूज नंबर 1 ये है आपके पास, कि एमसीक्यूज 1 आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1। कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 iota। बेटा देखें, ये मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ये बताना है, क्वेश्चन लिखना है, वरना ठीक है। वैसे ही एमसीक्यूज में बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा, वो आपको टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है? देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है कि -iota/2, बी आपके पास है 1/2, सी आपके पास है -1/2, ई आपके पास है 1/2। अच्छा बेटा देखिए, आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें उस नंबर से, गिवन नंबर से, उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो रिजल्ट आपके पास कहना चाहिए 1। ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ, देखें जैसे 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5, ताकि रिजल्ट क्या आ जाए? 1। ठीक है? रिजल्ट आपके पास आ जाए 1। -2/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? -7/2, ताकि रिजल्ट आपके पास क्या आ जाए? 1। अब बेटा आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है a/a² + b² और -b/a² + b² बेटा। ये आपने फॉर्मूला याद करना है। ठीक है? अब देखिए, आपके पास ये गिवन है 2 iota है। ठीक है? तो 2 iota को हम लिख सकते हैं 0 + 2 iota। ठीक है? इसका मतलब इसमें a+iota b है, यानी अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ए आपके पास 0 है, बी आपके पास क्या है? 2 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? बेटा देखिए, ए आपके पास क्या है? 0। फिर a² है 0 का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है? 2 है। बी आपके पास देखिए क्या है? 2 है। ठीक है? फिर 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, फिर -b है, तो बी आपके पास क्या है? 2 है। और 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, बेटा देखिए ये आपके पास क्या आएगा? 0/4, और ये -2/4, तो 0/4 तो 0 ही होता है, और ये आपके पास आ जाएगा देखें 2/4, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। बेटा देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आ गया 0 और 1, -1/2। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ आपके पास? दिया हुआ है, और फिर देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 0 और -1/2 iota। और क्योंकि बुक में इन्होंने रियल अपना एमसीक्यूज में रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं -iota/2। इसका मतलब देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन इसका बेसिकली क्या है? ये वाला है। ठीक है? -iota/2 जो पार्ट, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? -iota/2। अब आ जाए सेकंड में, द इनरेशनल नंबर इज
अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब नंबर वन ए आपके पास है 1/2, बी आपके पास है √2/2, सी आपके पास है √2 × √2, डी आपके पास है 2/√2। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इरेशनल। तो रैशनल आपको याद होगा कि क्या होते थे, रिकॉल भी कर दिया जाता है रैशनल नंबर्स, या जो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, 2 ≠ 0 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। नहीं, हम कहते हैं रैशनल नंबर्स आपको याद है, 5/2 है, -7/9 है, इवन के 1 है, 0 है, ठीक है। ये भी आपके पास कहते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इन रैशनल आपको याद होगा, नंबर्स ऑन भी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके। और ज्यादातर क्या होते हैं ये, कि बेसिकली स्क्वायर रूट देना, जैसे प्राइम नंबर है √2 है, ठीक है, √5 है, 1/√29 है, ठीक है, √3 है, इवन के 5 है, ये होते हैं आपके पास इरेशनल। अब देखिए 1/2 भी आपके पास क्या रैशनल है, √2/√2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, √2 × √2 भी 1 आ जाएगा, तो 2/√2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा रैशनल, ठीक है। इसका पार्ट ये भी है। अब आ जाए हम पार्ट 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 आपके पास ये है, इफ जेड इज इक्वल टू -2i +3, देन जेड बार इज, ठीक है। तो बेटा आपको याद होगा जेड बार का मतलब होता है कंजुगेट ना, जेड जेड बार इज कंजुगेट। और कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए जेड आपके पास ये है, जेड आपके पास है -2 + 3i। देखिए जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा, जेड बार आपके पास आ जाएगा, देखिए ये -2 है तो ये हो जाएगा +2i, ये +3, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ऑप्शन ए आपके पास ये था, ऑप्शन ए था आपके पास -2 − −2i, -2i − 3, बी आपके पास था 2i − 3, सी आपके पास था 2i + 3, और डी आपके पास था −2i + 3। अब देखिए जेड बार 2i + 3, तो आपका ये पार्ट C इसका आंसर। ठीक है, ये पार्ट C आपका रिजल्ट आ। अच्छा अब बेटा देखिए पार्ट इसका 4 है, एमसीक्यू है कि इफ ए ग्रेटर देन -2 है एंड ए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, देन देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ए आपके पास क्या हो जाएगा -a > 0, बी आपके पास हो जाएगा 2 > a, सी हो जाएगा -a < 2, और डी हो जाएगा -a > 2। अच्छा बेटा, अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास क्या हो, इनइक्वालिटी हो,
और आपने दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना। आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हम कहते हैं -5 लेस देन 4 है, तो बात बिल्कुल ठीक है, -5 लेस देन -4 है। मगर देखिए अगर ये -5, तो यहाँ पे मैं करता हूँ -1 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय -1, और इनक्वालिटी का साइन मैं फिलहाल यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें -5 है, और इसको भी मल्टीप्लाई करें हम लोग इससे -5, ये भी -1, ठीक है। बट आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, -5 +5, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली क्या 4 है, थोड़ा सा देख लो। लेकिन ये आपके पास -5 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ इसे -1 से, ये मैं साइन छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए 4 है, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से। बेटा देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5, ये ब्लैंक, और ये -4। अब आप देख रहे हैं कि जो 5 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4, 5 > 4। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इनक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन हो तो लेस देन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन। इसका मतलब देखिए इसमें क्या है कि एक ग्रेटर देन -2 है, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए लेस देन 2, तो ये आपका क्वेश्चन, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है, सी वाला। अब देखिए इसका पार्ट है 5, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन है वो, इफ 2.1 - iota इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज, ए आपके पास है -1 - iota, बी आपके पास है -1 + iota, सी आपके पास है 1 - iota, और डी आपके पास है 1 + iota। बेटा देखिए इसे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये 2 / iota - x इक्वल टू 0। देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 1 - iota - x इज इक्वल टू 0, और ये 2 1 - iota इज इक्वल टू x ले लेंगे। अब आपको याद होगा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में हो तो इसका हमेशा क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, ठीक है। ये 1 - iota मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 + iota से, और 1 + iota से इक्वल टू एक्स। अच्छा बेटा देखिए ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 2 * 1 + iota, डिनोमिनेटर में आपने मेजर फार्मूला लगाना है a² - b², ठीक है, ये 1 का² - iota का² इज इक्वल टू एक्स। और फिर देखें अयोटा स्क्वायर आपको याद होता है, किसका होता है 1 के, ये 1 + iota, और देखिए आ जाएगा 1, और ये -1 इज इक्वल टू एक्स, और देखिए आ जाएगा 2, और ये 1 + iota, और ये 1 - 1 + और 1 1 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स। देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 + iota। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है।